हेलो नमस्कार मैडम, है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बीकॉम कोर्सेज के बारे में। दैट मींस जिन बच्चों का बीकॉम कंप्लीट हो गया है उनके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, अब कौन कौन से वो डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं जो कि उनको फ्यूचर में अच्छी जॉब्स वगैरह दे सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है आप बीकॉम के बाद ही जॉब कर लीजिए, लेकिन सैलरी जो है मीडियोक्रे लेवल, बहुत एवरेज लेवल की मिलेगी। इसलिए अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं, टॉप 10 आपको थंबनेल में लिखा हुआ था, लेकिन दो एक्स्ट्रा भी मैं बताने वाला हूं, तो कुल मिला के 12 कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं वन बाय वन, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो कोर्स है जो कि आप बीकॉम के जस्ट बात कर सकते हैं वो है एमकॉम। अब ये एमकॉम तो ऑब्वियस सी चॉइस है, बीकॉम छोटा भाई तो एमकॉम बड़ा भाई माना जाता है। तो एमकॉम कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप सिर्फ बीकॉम करे हुए होने चाहिए, मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए बीकॉम में, तब आप एमकॉम कर सकते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, दैट मीन्स अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं और एमकॉम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी वगैरह थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट मिल जाता है आपको। ये भी सेम बीकॉम की तरह प्राइवेट भी होता है और रेगुलर भी होता है। अगर आप जॉब एस्पेक्ट से रिलेटेड में मुझसे सजेशन मांगते हैं तो रेगुलर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रदर देन प्राइवेट। ये एक नियर अबाउट 50-60,000 में दोनों साल का एमकॉम आपका हो जाएगा, बहुत कम जिसका फीस स्ट्रक्चर है, आराम से आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वगैरह भी नॉर्मल सी है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें नहीं चाहिए। तो पहला ऑब्वियसली चॉइस है आपकी एमकॉम। एमकॉम से रिलेटेड अब बहुत ही जल्द मैं पूरी वीडियो सीरीज लाने वाला हूं जिसपे कॉलेजेस वगैरह डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला जो आपके पास कोर्सेज है जो बीकॉम के जस्ट बाद आप कर सकते हैं वो है एमकॉम, जो एक बीकॉम वालों के लिए ऑब्वियस सी चॉइसेस रहती है। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन सब देते ही होंगे। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत बच्चों के क्वेश्चन होते हैं क्या हम बीकॉम के बाद एमबीए कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मिनिमम अगेन वही 50% होती है। एमबीए का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एमकॉम के लिए जरूरी नहीं है हर कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले, लेकिन एमबीए के लिए हर अच्छे कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेता है। अगर नेशनल लेवल की बात करें तो आपका मैट वगैरह, कैट वगैरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको देकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और टॉप मोस्ट एमबीए कॉलेजेस, और एमबीए सब कॉलेजेस से ही रिलेटेड है, जितने अच्छे कॉलेजेस से एमबीए करेंगे उतना अच्छा आपको प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। आईएम्स वगैरह से करेंगे तो वहां पर बहुत ही लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है स्टूडेंट को। एमबीए से रिलेटेड हर एक क्वेरी, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने बहुत सारे एमबीए से रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, इतने शायद ही किसी ने यूट्यूब में बना रखे होंगे। एमबीए से रिलेटेड हर वीडियो की प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वो चेकआउट कर लीजिएगा, आपको एमबीए से रिलेटेड हर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर रखा है एमबीए की प्लेलिस्ट में, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन आपका है बीकॉम के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। आपके पास स्पेशलाइजेशन भी बहुत है, आप अकाउंटेंसी से कर सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट, आप एविएशन से कर सकते हैं, आईटी लाइन से कर सकते हैं, सेल्स से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको एमबीए में। फीस थोड़ी एमकॉम के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी तो नहीं, 4 times या 3 times ज्यादा है एमबीए की फीस, राइट। तो अगर आप बजट टाइट है तो एमबीए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, आप एमबीए प्राइवेट से या डिस्टेंस से भी कर सकते हैं अगर बजट थोड़ा कम है, राइट। वो सारी मैंने डाउट वगैरह, क्वेरी वगैरह वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमबीए की, सब कुछ डिस्कस कर रखा है, राइट। आगे देखेंगे थर्ड ऑप्शन, लॉ की लाइन में अगर जाना चाहते हैं। बीकॉम तक आपको अवेयरनेस नहीं थी एलएलबी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लेकिन बीकॉम करते करते आपको अवेयरनेस बढ़ी है तो आप क्या कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी लॉ का कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। दो ऑप्शन है, एक तो होता है इंटीग्रेटेड 5 साल का जो कि आपको 12th के बाद ही करना पड़ता है, एक होता है ग्रेजुएशन के बाद जो कि 3 साल का एलएलबी का कोर्स होता है। अच्छा, ये ग्रेजुएशन के बाद जो एलएलबी का कोर्स करोगे 3 साल का, वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होता है, वो अंडर ग्रेजुएट ही होता है। पोस्ट ग्रेजुएट कब करना पड़ेगा, बीकॉम के बाद 3 साल का एलएलबी करिए, फिर उसके बाद 2 साल का एलएलएम, मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, वो करिए, तब आपका लॉ लाइन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट हो जाएगा। लॉ लाइन में भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस वगैरह है, अगर आपको लॉ लाइन में इंटरेस्ट है तो एलएलबी से रिलेटेड भी सारे A to Z वीडियो हमारे बन चुके हैं,
अगेन डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर कॉमन ही रहता है। एनएलयूज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो उसका फीस स्ट्रक्चर काफी महंगा है, उसके बारे में भी सबको डिस्कशन कर रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। राइट, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हमारा, वो है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सीए, कॉमन सा आपका ऑप्शन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये डिग्री कोर्सेज नहीं है, आप बीकॉम करते हुए भी सीए कर सकते थे लेकिन उस समय इतने अवेयरनेस नहीं थी आपके पास, तो आप बीकॉम खत्म होने के बाद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। नियर अबाउट 4 साल लग जाएंगे आपको अगर आप हर स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं इसकी, राइट, फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है और फिर फाइनल होता है। तीनों स्टेजेस सक्सेसफुली जब कंप्लीट कर लेंगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। और अभी भी टिल डेट चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज्यादा लुक्रेटिव कैरियर है, सबसे अच्छी सैलरी ऑफर करता है आपको। राइट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं आप बीकॉम के जस्ट बाद। राइट, आगे देखेंगे सीएस, फिफ्थ ऑप्शन कंपनी सेक्रेटरी। अगर सीए और सीएस को कंपैरिजन करा जाए तो सीएस रिलेटिवली इजी पड़ता है, अगेन 3 स्टेजेस इसमें भी होती है, इंटरमीडिएट होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और यहां पर प्रोफेशनल होता है। राइट, सीए सीए दोनों से रिलेटेड भी वीडियो बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चेकआउट करना मत भूलिएगा। A to Z सारी चीजें मैंने कवर अप कर रखी है सीए और सीएस से रिलेटेड। राइट, लॉ लाइन में इंटरेस्ट है लेकिन LLB नहीं करना है तो आप सीएस कर सकते हैं। अगर लॉ की प्रोफाइल और ज्यादा स्ट्रांग करनी है तो LLB के साथ सीएस भी कर लीजिए। राइट, तो ये था सीएस से जुड़ी इंफॉर्मेशन। आगे देखते हैं CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये USA भी कराता है जो कि बहुत फेमस डिग्री है और इंडियन इंस्टीट्यूट भी कई कॉलेजेस ने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर मेरा सजेशन मांगे तो USA वाला ही करिए क्योंकि उसकी एफिलिएशन पूरे वर्ल्ड वाइड है। राइट, यहां पर भी आपको ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है, 1.5 साल का ही कोर्स होता है और फीस स्ट्रक्चर इसका सस्ता है, 1.5 लाख में आपका CFA कंप्लीट हो जाता है और बहुत अच्छी प्रोफाइल में आप इंडिया में रह के या आउटसाइड इंडिया भी रह के बहुत अच्छी प्रोफाइल में एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर या एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं, कॉस्ट कंसल्टेंट। राइट, तो ये था CFA, CFA से भी रिलेटेड पूरा वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पूरा चेकआउट कर लीजिएगा। राइट, आगे देखेंगे CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा चला गया कोर्स है जहां पर ICWA, ये कोर्सेस ICWAI का नाम बदलकर CMA कर दिया गया है। ये भी बहुत अच्छा कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड बहुत अच्छा कोर्सेज है। नियर अबाउट 3 साल लग जाएंगे, सिमिलर CA वाली लाइन के नियर अबाउट वैसा ही है लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम है CA लाइन से। यहां पर भी आपको 3 लेवल मिलते हैं जो आपको निकालने पड़ते हैं। राइट, तो ये CMA से रिलेटेड भी वीडियो हमारा बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में अगेन प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से CMA से जुड़े सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व वहां पर हो जाएंगे। राइट, तो बीकॉम के बाद आप CMA भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हटके लाइन देखते हैं, 8th नंबर है डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटर कौन होते हैं? मार्केटर वो बंदे होते हैं जो कि प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। अब जमाना आ गया है ऑनलाइन चीजों को प्रमोट करने का, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होता है, डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है। यहां पर आपको सिखाया जाता है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो भी कंपनी है उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, लिंक्डइन के थ्रू कैसे प्रमोट करना है, तो अलग अलग जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करना है। और आजकल 80% ऑफ द कंपनीज ऑनलाइन मार्केटर्स की ही तलाश कर रही है, डिजिटल मार्केटर ही तलाश कर रही है जो कि उनकी वेबसाइट वगैरह को अच्छे लेवल पर रैंक करा सके। दैट टर्म इज कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो आपको सिखाया जाता है किसी भी कंपनी के नाम को गूगल के फर्स्ट पेज में कैसे लाया जाए। बहुत सारी प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग के, इंस्टीट्यूट भी हैं, कोर्सेज भी हैं, 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं, 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। जो भी आपकी बजट के अकॉर्डिंग हो वो करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस कंप्यूटर से जुड़ी IT लाइन में इंटरेस्टेड है, मार्केटिंग लाइन में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्टेड है तो ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्सेज हो सकता है। आगे देखेंगे वेब डिजाइनिंग। हर छोटे से छोटी स्मॉल फर्म्स चाहती है कि हमारी वेबसाइट हो। आजकल हर स्मॉल फर्म्स की या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की भी, हर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स की भी वेबसाइट होती है। तो अगर आपको वेबसाइट डेवलप करना आता है, कोडिंग वगैरह आती है, लैंग्वेजेस वगैरह सीख रखी है तो आप वेब डिजाइनिंग का कोर्सेज कर सकते हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ये करके आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। हर कंपनी वेबसाइट डेवलप करा रही है, आप घर में बैठकर भी प्रोजेक्ट लेकर भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं और रियलिटी में
लाखों कमा रहे हैं बच्चे जिन्होंने वेब डिजाइनिंग करी हुई है। सिमिलर लाइन पे आता है आपका 10th ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, आप ड्राइंग्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाते हो या बना पाते हो, तो ऐसे लोगों की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इमेजेस वगैरह बहुत पॉपुलर हो रही है, जैसे इंस्टाग्राम में हो, चाहे गूगल इमेजेस में हो, चाहे यूट्यूब के थंबनेल हो, पिक्चर्स जो आपको दिखती है जिस पर आप क्लिक करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो हर कंपनी को ऐसे ग्राफिक डिजाइनरों की रिक्वायरमेंट रहती है। वेबसाइट में पिक्चर्स पोस्ट करने के लिए वेबसाइट में आर्टिकल के नीचे जो भी पिक्चर्स आती है, उन सब चीजों में ग्राफिक डिजाइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। इसके लिए भी अगेन सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप ये करके बहुत ही अच्छी, अलग लाइन है लेकिन अपना नाम बनाना बहुत जरूरी है इस लाइन में। जैसे आप नाम बना लेते हैं, आप लाखों इवन करोड़ों के पैकेजेस भी ले सकते हैं, राइट? क्योंकि यहां पर आपकी स्किल ही सब कुछ है, राइट? आगे देखेंगे स्टॉक मार्केट। अगर आप ब्रोकर, स्टॉक मार्केट में द टर्म इज कॉल्ड ब्रोकर, आप बन सकते हैं, जहां पर आप एडवाइस या कंसल्टेशन देते हैं उन पर्सन को जिनको स्टॉक मार्केट की समझ ही नहीं है। एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड या तो बैंक में पैसे जमा कराता है या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में, राइट? तो मेन चीज क्या है, आप म्यूचुअल फंड में एज अ ब्रोकर या स्टॉक मार्केट में एज अ ब्रोकर बन सकते हैं और जनरल पब्लिक को कंसल्टेशन प्रोवाइड करा सकते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कौन से ऑप्शन में करना है, आपके लिए कस्टमर के लिए कौन सा बेस्ट पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकता है। तो स्टॉक मार्केट में भी एज अ ब्रोकर आप वर्क कर सकते हैं। यहां पर भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो करके आप स्टॉक मार्केट में एंटर हो सकते हैं अगर आपको नंबर्स वगैरह में, कंसल्टेशन में मजा आता है या इंटरेस्ट है, राइट? लास्ट वन देखेंगे टैली। एक ऑब्वियसली चॉइस रहती है टैली की। टैली बहुत अंडररेटेड कोर्स है लेकिन बहुत अच्छे पैकेजेस देखे हैं मैंने बच्चों को मिलते हुए जिन्होंने टैली में एक्सपर्टीज ले ली है। स्पेशली अब जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, हर स्मॉल फर्म्स के लिए भी अपना एक जीएसटी अकाउंट मेंटेन करना, उसको अपडेट करते रहना जरूरी है। तो वहां पर टैली, एडवांस टैली सीखना, जो कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज दोनों में अवेलेबल है, बहुत अच्छे करियर ऑप्शन आपके लिए बढ़ा देता है। एक टिप दूंगा मैं, टैली का कोर्सेज करिए, एक महीना, दो साल या छह महीने वाला, जो भी आपको एडवांस लेवल का मिल रहा है जीएसटी जिसमें इंप्लीमेंट होता है, उसकी सारी आपको नॉलेज मिलती है, और फिर किसी सीए के अंडर में, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में 2 या 3 या 4 या 5 साल वर्क कर लीजिए। आप रियलिटी बता रहा हूं, उतना ही पैसा कमाने लग जाएंगे जितना एक सीए कमा रहा है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट वही चीजें समझ में आ जाएंगी या आ जाएगी करनी जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आती है, और आपकी प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा शानदार बन जाएगी, राइट? तो बीकॉम के बाद टैली करिए, एक साल का कोर्सेज नियर अबाउट होता है, और किसी भी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में अच्छे बच्चे बनकर उसके अंडर में वर्क करिए, 3-4 साल काम सीखिए और खुद की फर्म भी खोल सकते हैं, कंसल्टेशन खोल सकते हैं, या फिर बहुत अच्छी सैलरी वगैरह आप चार्ज कर सकते हैं, राइट? तो ये थे मोस्ट प्रोबेबली द बेस्ट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ बीकॉम डिग्री, राइट? और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने टॉप 12 के नाम लिखे हैं इसमें। उम्मीद करता हूं मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद थोड़ा सा भी आया तो प्लीज लाइक करके जाइएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है वहां पर डीएम कर सकते हैं। नहीं तो इनमें से कोई भी ऑप्शन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए मुझे जरूर बताइएगा, अगर आप बीकॉम स्टूडेंट है, कि आप इनमें से कौन सा कोर्सेज करने वाले हैं या करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।